आज जो है मैं वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ अच्छा अच्छा ये जो है ये RHS के ऊपर होगा, मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और जो है साइड, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का चैप्टर है। यहाँ पे मैं जो लास्ट वर्कशीट 4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ आज के जो वीडियो है इसमें। तो गाइज बस एक ही बात कहना है, मैं बहुत अच्छे से एवं धीरे धीरे तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ठीक से समझ लो, क्योंकि यहाँ पे लग सकते कुछ जगह पे सर इतना सारा बोलने की क्या जरूरत था, आप तो बस आंसर लिख देते हो जाता। और कुछ जो अच्छा ऐसे भी करेगा, मुझे पता है कि वो लोग बस आंसर को देखेगा और आंसर को बुक में कॉपी पेस्ट करेगा, तो ऐसा मत करो अगर तुम्हें सीखना है। क्योंकि ये जो चीज़ अभी स्टार्ट हुआ है ना, ये 8, 9, 10 ये चलेगा अभी, और अभी ठीक से तुम लोग ग्रैब कर लोगे ना, एकदम समझ में आ गया ना तुम लोगों को, तो हायर क्लास में जाके बस तुम ऐसे कर लोगे। और एक बात, ये पार्ट जिन लोगों को एक बार समझ में आ गया, जिन लोगों को इंटरेस्ट मिल गया इस पार्ट में, इसमें इतना मजा है ना, ये मैं मतलब तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बैन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो फेवरेट पार्ट है ये है, ये वाला ज्योमेट्री वाला पार्ट बहुत फेवरेट है। ये जो जगह है हर बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरा जो थॉट प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करो, शायद ज़्यादातर बच्चे को ये समझ में आ जाएगा। पता है मैं ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम लोगों का थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन अराइज होगा मन में वो मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए 1-to-1 क्लास होगा तो तभी हो सकेगा, ऐसे तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस और बात नहीं करना है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने कहा था कि आज हम वर्कशीट 4 करेंगे, इसका कंसेप्ट का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो चलो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे देख मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे मैं उतना जो इसका जो कंसेप्ट है RHS का, ये जो RHS का कंसेप्ट है उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं यहाँ पे। बस ये बताना है R रिप्रेजेंट फॉर राइट एंगल, H रिप्रेजेंट फॉर हाइपोटेन्यूस एंड S रिप्रेजेंट फॉर एनी साइड, एनी दो साइड रहेगा वहां से कोई एक साइड होगा। अब देखो ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, तो अगर तुम्हें लगता है कि सर इसमें आके मुझे प्रॉब्लम, मतलब मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, तो तुम लोगों के लिए वो बना के रखा है, तो एक बार जाके देख लो, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे भी मिल सकता है, नहीं तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप में, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। ओके तो चलो फिर आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। ये जो है वर्कशीट 4, दिस इज द लास्ट वर्कशीट, तो चलो लेट स्टार्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इट इज टोल्ड ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा लेट मी चेक फर्स्ट, सी ए बी डी, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए सी डी, दिस वन। तो आप देख ही सकते हो ये दो ट्राइंगल है, इसको अगर यहां पे रखे सेपरेटली तो यही वाला ट्रायंगल यहां पे आके ऐसे फॉर्म करने वाला है, देख ही सकते हो। तो इन दो ट्रायंगल में आप ये जो पार्ट है देख सकते हो, ये राइट एंगल, अगर इस दोनों ट्रायंगल को अलग कर दोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है या नहीं एकदम? एक काम करो, ए बी दैट वन डी दैट वन सी। चलो अब देखो वही वाला ट्रायंगल मैंने यहां पे ड्रॉ करा है, अब दोनों को एक साथ लिखोगे तो इसको देखने में ऐसा लगेगा एकदम हूबहू इसके जैसे। अब यहां पे देख सकते हो, अगर इसको सेपरेट करे, दोनों को अलग कर दे, तो यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब जो है हमें देखना है कि इसका जो ये वाला, देखो ये क्या है, डी जो है यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, है या नहीं? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब RHS का जो रूल है उसके हिसाब से ये इसको बनाना है। ओके चलो फिर, अब कहा गया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब अगर तुम इन दो ट्रायंगल को सेपरेट कर दोगे तो तुम्हारे पास फास्ट क्या है, राइट एंगल है, ये जो एंगल डी है यहां पे भी, यहां पे भी, मतलब दोनों को एक साथ करोगे तो ये आएगा ए डी, ये वाला फास्ट वाला ट्रायंगल में, ये जो फास्ट ट्रायंगल के, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसमें आएगा ए डी बी, ये जो है ए डी बी, देख सकते हो सेपरेट किया मैंने, ए डी बी ये वाला राइट एंगल होगा
और यहाँ पे एडीसी दोनों राइट एंगल है। तो फर्स्ट जो आरएचएस में क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए राइट एंगल, तो वो वाला मिल गया ये वाला। अब हाइपोटेनियस, चलो देखते हैं, स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव टू यूज टू आंसर वन, मतलब यू हैव टू गेट द आंसर वन टू यूज थ्री पेयर्स मैचिंग पार्ट। तो अभी तो 90 डिग्री तो हो गया। अब चलो देखते हैं इस ट्रायंगल में, ये जो एबीसी ट्रायंगल अगर इसको एक साथ लिखोगे ऐसे तो क्या होगा, एबीसी टोटल ये जो पूरा ट्रायंगल देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बन रहा है। मतलब इसका ये दो जो साइड है ये इक्वल है, समझ में आ रहा है, ये दो साइड जो है इक्वल है, दिया गया देखो ए बी एंड ए सी जो इक्वल है, ए बी एंड ए सी। आप इसको थोड़ा सेपरेट करके देखते हैं, देखो अगर सेपरेट कर दे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री है, एक एंगल तो देख ही सकते हो, ये वाला जो है 90 डिग्री है या नहीं, और क्या है तुम्हारे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। AD इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ फ्रॉम A ऑन BC, मतलब A से BC के ऊपर ऑल्टीट्यूड, मतलब मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये 90 डिग्री होगा, ऑल्टीट्यूड है इसलिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, यहां तक तो सही है। आप बताओ इनको एक साथ कर दोगे तो ये जो AD है दोनों ही शेयर कर रहा है या नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें जो है वो R मिल गया, अभी H भी मिल गया यहां से, ये दो है H है ना। अब एस मतलब कोई भी और एक साइड चाहिए, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन तुम देख सकते हो कि अगर इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ पे भी एडी, इस साइड में भी रेड वाला ट्रायंगल में भी एडी, ब्लू वाला ट्रायंगल में भी एडी है। आप अगर दोनों को एक साथ ऐसे रखोगे तो एडी क्या हो रहा है, कॉमन साइड हो रहा है या नहीं, दोनों ही दोनों में ही एडी है या नहीं, तो मतलब एडी जो है कॉमन साइड, तो हमें एस भी अभी मिल गया है, गॉट इट। तो राइट एंगल मिल गया, एच मिल गया, हाइपोटेनियस साइड भी मिल गया, तो क्या होगा, ये दोनों जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जो थ्री पेयर्स है वो हम लिखेंगे, चलो इन ट्रायंगल ये जो लिखा गया है वही लिखेंगे, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इन दोनों में देखो पहले जो राइट एंगल है वो लिखेंगे, क्योंकि ये ए जो है बीसी के ऊपर क्या है, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड मतलब इसका मीनिंग क्या है, एंगल जो होगा एडी का जो एंगल बीसी के साथ होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। मतलब आप देखो ये तो टोटल स्ट्रेट लाइन है, एक साइड 90 होगा तो दूसरे साइड भी 90 होना ही चाहिए, तभी तो ऐड करके तुम्हें 180 मिलेगा। तो कोई भी एक ऑल्टीट्यूड मतलब, बस ऐसे ही याद रखो, ऑल्टीट्यूड मतलब एंगल जो होगा इसके बीच का, ये जो परपेंडिकुलर मतलब ये ऑल्टीट्यूड और ये जो बीसी है बेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अब चलो सो देयरफॉर, अच्छा चलो देयरफॉर लिखने की जरूरत नहीं, सो नाउ एंगल ए डी बी, मैंने ये एंगल पहले लिखा है ट्रायंगल तो इसलिए एंगल ए डी बी लिखा है, इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू तुम लिख सकते हो 90 डिग्री, गॉट इट, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट में चले आओ, जो है हाइपोटेनियस देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑल्टीट्यूड है तो बस 90 डिग्री, बस वहीं से पता चल जाएगा। अब जो है ए बी इक्वल्स टू जो है ए सी, ये क्या है गिवन है, तुम लिख सकते हो यहां पे, गॉट इट। अब ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन साइड, गॉट इट, तो ये वाला राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस, ये कोई भी एक साइड इन, ये जो ट्रायंगल है फिर से देखो, ये जो और ये वाला रेड वाला ट्रायंगल है इसमें ये हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के ऑपोजिट में है। अब बाकी जो रह गया AD एंड DC और इस ट्रायंगल में AD एंड BD, ये क्या है अदर्स टू साइड, उसमें से कोई एक साइड को लेना है, ये मैंडेटरी नहीं किसी एक को ही लेना है, मतलब कोई एक इसमें से कोई एक दोनों में से, तो वो है ये वाला AD, मतलब मैंने AD चूज करा है कॉमन साइड के हिसाब से, तो क्या होगा S, तो देख ही सकते हो आर एच एस, तो बाई आर एच एस दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आंसर है वो करने वाले हम, ये जो है ना अभी टू वाला आंसर मैंने करा है कि स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स यूज टू आंसर गेट द आंसर वन, सो वन में जो है वो अब लिखने वाले हम, वन में क्या है कि देखो देख ही सकते हो, एक बार फिर से देख लो, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी congruent triangle ACD by क्या होगा RHS,
वाई, वाई का आंसर होगा आर एच एस। अब ये अच्छा चलो इज कहा गया है तो क्वेश्चन मार्क में दिया गया तो यस लिखो, यस दिस इक्वल्स टू दिस बाय आर एच एस। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये फर्स्ट वाला आंसर, ये सेकंड वाला आंसर। अब चलो थ्री से थर्ड वाला जो है, इज इट ट्रू टू से दैट बी डी एंड सी डी दे आर इक्वल और नॉट। अब देखो मैंने कहा क्या है, इक्वल में अभी नहीं देने वाला हूं, अभी देखना है, हमें चेक करना है। अब व्हाई वो भी उसका भी एक्सप्लेनेशन करना है। अगर तुम इसके पिछले वाला वीडियो में देखे हो, मैंने एक ही टाइप का जो आंसर मैंने यहां पे सॉल्व किया है, एक ही प्रोसेस मैंने फॉलो किया है, वो क्या है, इसमें जो है मैंने आरईचएस क्राइटेरिया लगाया है। तो तीनों क्राइटेरिया लगाने के बाद मतलब एक एंगल आर मतलब तो वो एंगल ही है, राइट एंगल मतलब वो तो एंगल ही है, और एक हाइपोटेनस मतलब साइड, और एस मतलब वो भी एक साइड है। अब तीनों क्राइटेरिया मैंने यूज कर लिया, अब मुझे मिल गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब बाकी जो तीनों क्राइटेरिया रह गया वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि ये ही कॉन्ग्रुएंट का रूल होता है कि अगर कोई भी तीन छह क्राइटेरिया होता है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, उसका कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होगा। किसी से भी नहीं मतलब ऐसे रैंडमली तुम नहीं ले सकते हो कि बी डी जो है इसका एसी के साथ इक्वल होगा। देखो जो फिगर एक बार देख लो, इस ट्रायंगल में बी डी जो है उसका इस ट्रायंगल में एसी के साथ इक्वल होगा, ऐसा रैंडमली तुम नहीं चूज कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए। तो यहां पे हमें क्या करना है, इक्वल तो होने वाला है, अब बाकी जो थ्री पार्ट है वो तो इक्वल होने वाला है। लेकिन अब अगर हम चूज करें ये रेड वाला ट्रायंगल, अगर ये वाला ट्रायंगल हम चूज करें, इसका जो BD है इस ट्रायंगल में कोई जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होने वाला है और कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, जो भी कहो, क्योंकि लाइन सेगमेंट में इक्वल मतलब ही कॉन्ग्रुएंट है, ये सब तुम्हें पता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे चूज करना है, अकॉर्डिंग टू द नेम आई हैव टू चूज द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। अब बताओ ये जो नेम है ट्रायंगल का, यहां पे अंत में क्या है, दो में देखो BD है या नहीं। तो ये जो नेम है तीन जगह है, तीन प्लेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में A है, सेकंड में B है, थर्ड में D है। तो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में मैंने चूज करा है फर्स्ट ट्रायंगल में। अब सेकंड ट्रायंगल में चले आओ और तुम्हें कौन सी प्लेस को चूज करना है, सेकंड एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नेम है वो अरेंज करके दिया गया है, इसीलिए अगर नहीं दिया होगा तो तुम्हें अरेंज करके लिखना है। ओके तो अब देखो इसका जो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन कौन है, CD। आप यहां पे आ जाओ BD, यहां पे सेकेंड थर्ड में कौन है, CD, यहां पे भी सेकेंड थर्ड में CD है। फिर से देखो सेकेंड थर्ड पोजीशन में कौन है, BD, तो यहां पे BD लिखा है। अब यहां पे सेकेंड थर्ड जो नेक्स्ट वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसका सेकेंड और थर्ड पोजीशन में कौन है, CD, तो CD भी लिखा है। तो मतलब ये दोनों इक्वल है। क्यों ऐसे, ये कौन, ये जो क्राइटेरिया है ऐसे क्यों होता है, सीपीसीटीसी से। अच्छा एक बात कहना है, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर बुक में मेरा लिखा हुआ है सीपीसीटी, सी नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलत क्या है और क्या सही कौन है कौन गलत है। एक्चुअली देखो दोनों ही सही है। इसका मीनिंग क्या है, सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट ऑफ द सी फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आर कॉन्ग्रुएंट किसी किसी बुक में लिखा होता है इसलिए मैं सी लिखता हूं, और अगर तुम ऐसे भी लिखो सीपीसीटी वो भी चलेगा, दोनों में कोई भी गलत नहीं है, किसी एक को भी लिखो वो सही है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो सी भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हो, ठीक है ना। तो अब ये क्यों हो रहा है, व्हाई, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। कौन सा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, इनको एक साथ मिलाओगे तो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देख सकते हो। तो ये हो गया, आई थिंक बहुत ही मतलब एकदम धीरे धीरे कंसेप्ट को समझाया तुम लोगों को। अब तुम लोगों के ऊपर है, तुम देखना चाहते हो पूरा वीडियो, ये नहीं, तुम लोगों के ऊपर है। चलो आज के लिए इतना ही, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा, ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो चुका है। सो गाइस गुड बाय, आज इतना ही, अभी जो है ये मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पे मैं 2 करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, लेंदी उतना भी नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ही लेंदी बन चुका है, इसलिए उसको मैं, देखो ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 का आधा पार्ट मैं इस वीडियो में डाल दिया और एक नेक्स्ट वीडियो में और एक पार्ट को डालना है, ऐसा नहीं होगा, वो 40 मिनट्स के करीब हो चुका है। उसको एडिट करने के बाद हमें उसको छोटा करना है, फिर मतलब तुम लोगों के पास मतलब अपलोड करना है यूट्यूब में। तो गाइस आज के लिए इसलिए इतना ही, मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो स्टार्ट कर दूंगा। So guys, that's it for today.
इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, दोज यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।